एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ठीक मूवी थी, इतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज इट वॉज अ बिट बोरिंग. ऑल्सो वट एवर वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मूवी इट वॉज देयर, देर वॉज नथिंग मोर टू द मूवी. सो जितना भी मीम्स हम लोग इंटरनेट पर देखते हैं कि मनमोहन सिंह चुप रहते हैं एंड ही इज़ बींग कमांडेड बाई सोनिया गांधी, दैट इज़ ऑल विच वॉज बींग शोन, नथिंग एक्स्ट्रा टू द मूवी. सेकेंडली अनदर बैड थिंग अबाउट द मूवी वॉज दैट टूवर्ड्स द एंड दे शो कि संजय बारू नेवर न्यू वेदर द बुक ही रोट एंड द मूवी मेड, वॉट आर द कॉमेंट्स ऑफ मनमोहन सिंह ऑन दैट. सो आई पर्सनली एम वेरी क्यूरियस टू नो वेदर मनमोहन सिंह approves of all the story, whether it's a concocted story or is it something which really happened. So is it a fiction or is it a reality, we don't know that. Okay. अभी हमें तो नहीं पता ना, जो हम मूवी में देखेंगे हमें वही लगेगा, जो हम इंटरनेट पर पढ़ते हैं वो सब दिखाया, बट किसी ने अप्रूव नहीं किया वो. टूवर्ड्स द एंड भी ये दिखाया कि मनमोहन सिंह नेवर टॉक्ड. सो इट वॉज अ वन पर्सन्स व्यू विच वॉज संजय बारू, हु वॉज डेफिनेटली वेरी क्लोज टू मनमोहन सिंह, येट वी डोंट नो वेदर हाउ मच ऑफ द फैक्ट्स आर मोल्डेड, वेदर दिस वॉज करेक्ट और नॉट. आई थिंक इट इज़ वेरी ट्रू बिकॉज मनमोहन सिंह को बहुत बेचारा टाइप बना दिया गया है फिल्म में, एंड पर्सनली वॉचिंग इट वॉज नॉट अ गुड फीलिंग बिकॉज यू सी अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर्स बींग डेसिमेटेड टू अ लेवल वेर इन ही इज़ बीन रिडिक्यूल्ड नॉट जस्ट ऑन द इंटरनेट बट नाउ ऑन द बॉक्स ऑफिस इज वेल. सो यू डोंट गेट अ गुड फीलिंग रिगार्डिंग इट. सो but if that was actually happening in real life also, so yeah, it's pretty sorry state of affairs. Anupam Kher's acting was brilliant because he stepped into the shoes of Manmohan Singh pretty well, and we could not figure out whether it was Anupam Kher behind the scenes and not Manmohan Singh. It was as if Manmohan Singh himself came and acted, so it was really nice. 2.5. The movie was good, like it was normal movie kind of movie, and the facts which were shown they were according to the novel which was written, so I think they are right and they are good, and the movie is good, really okay, good. What is it, what the truth is, it should come to the public and everybody should know the truth, and if they are showing the truth according to the books, then it's really good, and these kinds of movies are necessary for everyone to know what's going on right now. Okay, there was already a controversy behind this movie, you know, okay. Manmohan Singh ji ka mazak udaya gaya hai, to kahin aapko aisa laga ki unka mazak udaya gaya hai is film mein? Nahi, aisa kuch nahi hai. Unka jahan jahan unne sahi kara hai, unka image kafi acha dikhaya hai, to unka itna zyada kuch nahi hai, jo bhi sach hai wahi dikhaya hai. Okay, Anupam Kher ji ki acting ke bare mein kya kehna chahenge? Yeah, achhi thi, bahut achhi. Okay, overall kitna stars dena chahenge 3.5. thank you so much. जैसी है वैसी ही लगी, मतलब आई मीन काफ़ी चीज़ें जो शायद पब्लिक व्यू में मतलब क्लियर नहीं थी, शायद हो सकता है अभी क्लियर हो, बट वी जस्ट कैन नॉट से व्हाट्स आई स्टिल कांट से व्हाट्स द रियलिटी, यू नो इट्स जस्ट अ वे ऑफ शोइंग इट. आई वुड लाइक टू से आई वांटेड, आई रियली वांटेड टू कन्वे दिस टू द डायरेक्टर, वेरी नाइस जॉब, इट वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेप, बहुत ही एकदम हिम्मत से बोला है, वेरी नाइस. आई लाइक द डिजाइनिंग ऑफ द फिल्म, वेरी नाइस कैमरा वर्क, वेरी नाइस कास्टिंग, वाज ब्रिलियंट डिजाइनिंग, आई लव द कास्टिंग, ब्यूटीफुल कास्टिंग, वेरी नाइस कास्टिंग. एटलीस्ट आई थिंक वन शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म. एब्सोल्युटली, मुझे नहीं लगता आई गेस जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसा जैसे आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि मनमोहन कैसे हैं, हमें भी नहीं पता कि वो कैसे हैं, आपको भी नहीं पता, लेकिन जो कोशिश की गई है दिखाने की, अगर सच वही है तो आई एम रियली ग्लैड कि जिसने भी इस आइडिया के बारे में सोचा, आई एम रियली ग्लैड कि एटलीस्ट उनकी सही इमेज दिखाने की कोशिश की गई है. हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, आई थिंक ही इज सो यंग एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई मीन ही डिड अ ग्रेट जॉब, एंड आई लव द कैमरा वर्क ऑल्सो, इट वॉज वेरी वेल डिजाइंड, इट लुक मोर थिएट्रिकल एंड एवरीथिंग, या इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. 3.5, या बट स्टिल माई हार्ट सेज 4.5, but I would still underestimate it so that you can make something better next time. Absolutely. अच्छी है movie. I mean, थोड़ी ambiguity end में अभी भी है. I mean, it's not very giving you a clear picture of the entire thing. The ending is a little ambiguous, but the movie is really nice. Director's direction I'm not able to comment, but acting बहुत अच्छी थी मनमोहन सिंह की, especially अनुपम खेर की. He was like really, the speeches of the Prime Minister were footage the end mein, but it was looking like you cannot make out the difference between Manmohan Singh's footage and actual Anupam Kher shooting. Haan, aisa zarur lag raha tha ki sometimes ab ye nahi pata mazak banaya gaya ki nahi, ho sakta real case bhi yahi ho, but aisa zarur tha ki he was shown in a very submissive light. Bahut baar aisa tha ki
ही कुड हैव टेकन अ स्टैंड बट ही डिड नॉट जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू. उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है मूवी में. आई थिंक अक्षय खन्ना का पार्ट इज मोर ग्लोरिफाइड इन द मूवी. आई मीन ही वॉज द रियल हीरो इन द मूवी, इट लुक लाइक दैट. बट हाँ ऑल्सो या जस्ट बिफोर द इलेक्शन है तो इट लुक लाइक कांग्रेस का बहुत अच्छा लाइट में नहीं दिखाया गया कांग्रेस को. एज अ व्यूअर फोर मे बी या फोर. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बायोपिक पे फिल्म बनती है या फिर किसी बुक पे बनती है तो उस तरह का रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो उतना उसमें नहीं था. मतलब बहुत सारे कैरेक्टर नदारद थे. मतलब अहमद पटेल को ज़्यादा फोकस किया गया बट हालांकि मैं चाहता था प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी, इनफैक्ट सोनिया गांधी, उनके कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाहिए था. और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी अगर बायोपिक बनती है तो पॉजिटिव साइड को वो दिखाते लेकिन आप उनकी निगेटिव साइड्स को दिखाओ. तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की है लेकिन गांधी फैमिली के भी हर कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाहिए था, ये मेरा मानना है. और एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर, जितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया वो बहुत सही था लेकिन कुछ चीज़ें थी जो नदारत थी. तो ऑफकोर्स मुझे लगता कि उन चीज़ों को हमें फोकस करके सामने लाना चाहिए था. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पर्सनालिटी है, हर किसी की पर्सनालिटी है, वो उनकी बहुत पर्सनल है. और वो हमारे वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने काफ़ी टाइम तक इंडिया को सपोर्ट किया था और उनको इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव किया था. तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मनमोहन सिंह सर ने का मजाक उड़ाया गया है. नो, बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई है. जो सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई है उसको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है और डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो फिल्म अगर हम दिखा रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स वो सही है. लेकिन मुझे हमेशा वापस वही कहना है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि गांधी फैमिली के बाकी के कैरेक्टर्स को अगर वो इस्टेब्लिश करते तो बहुत एक सपोर्ट होता और बहुत एक हम कहते कि एक रियलिटी वो दिखा सकते थे. दैट्स इट. हमारे यहाँ पे एक तो सबसे पहले इंडियन ऑडियंस मसाला फिल्में देखती है. आई एम सो सॉरी, मतलब सिम्बा जैसे फिल्म को लोग बेवकूफ़ की तरह देखने जाते हैं. आई एम सो सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल सिनेमा. बट अगर ठाकरे, एक्सीडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्में आती हैं तो उन जनरल ऑडियंस देखने नहीं जाती और उनको देखने जाना चाहिए. अगर जनरल ऑडियंस अगर इन सारे लोगों की फिल्में देखती है तो उनको पता चले कि यस, कि ये सच है. जो मुझे ऐसा लगता है जो नहीं जाते वो सच में स्टार देना बहुत बड़ी मुश्किल है. बट ऑफकोर्स थ्री. मुझे तो बहुत मज़ा आया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देख के क्योंकि मैं उतना पॉलिटिक्स के अंदर घुसा नहीं हूँ ना देखता हूँ. तो मैं इसको एज अ मूवी जब देखने आया तो मुझे यही मेरा मेन एम था कि मनमोहन सिंह एक्चुअल में कैसे हैं, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है तो काफ़ी रिसर्च करते हैं इसके अंदर और वो जितना रिसर्च करके कोई स्क्रिप्ट पे जाते हैं उतना हम नहीं कर सकते. सो इतनी डिटेलिंग के बाद 3 घंटे में सब कुछ बताना, तो उस हिसाब से मुझे तो काफ़ी सही लगा. और स्पेशली जो संजय बारू एंड मनमोहन सिंह का जो बॉन्ड था, आई रियली लव्ड दैट, क्योंकि काफ़ी सही बॉन्ड था उन दोनों के बीच में. अनुपम खेर सर और अक्षय खन्ना दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एक्टर है तो उनकी एक्टिंग को जज तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते आए हैं. तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बिलीवेबल थी इसलिए मुझे मूवी अच्छी लगी. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोग काफ़ी अच्छे. मजाक एक्चुअल में जो आज तक चलते आए कि मनमोहन सिंह कभी कुछ बोलते नहीं है, तो ये मूवी ही मनमोहन सिंह के ऊपर है. तो अगर मनमोहन सिंह इसमें भी चुप रहते तो एक साइलेंट मूवी बन जाती. तो उन्होंने ये नहीं किया इसलिए मजाक नहीं है क्योंकि मनमोहन सिंह इसमें बोलते हैं और हम जब उन्हें बोलते सुनते उनकी मन की बात सुन रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छा आखिरकार मनमोहन सिंह क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, वो डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है. फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी. फिल्म में सबसे अच्छी बात ये थी कि फिल्म इज़ अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. फिल्म में कहीं भी एक एजेंडा नहीं लगा, एक हिडन एजेंडा नहीं लगा कि कोई पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ कोई फिल्म बना रही. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ वर्क, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट, जिसको वैसे ही देखना चाहिए. आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म. खासकर कि मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में पोलिटिकल कॉन्शियसनेस यंगस्टर्स में खासकर कि कुछ ज़्यादा बढ़ा है. मोदी जी जो स्पीचेस देते हैं उससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं. मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह की जो साइलेंस है, जिसका कि जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, आई थिंक उनकी साइलेंस की पोटेंसी को समझने के लिए ये फिल्म देखनी चाहिए लोगों को. ओके, 5 में से 4 स्टार्स. थैंक यू सो मच.